अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AM देसी टीच स्टेप्स। दोस्तों, पहले की तरह आज मैं आपके लिए एक मर्दाना ताकत का ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूं। उन हजरात के लिए है जिन हजरात का नफ्स बिल्कुल ढीला है। अक्सर औकात शादी हो जाती है लेकिन कभी भी शादी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं होती उनके अंदर कि अपनी बीवी को खुश कर सकें। तो यही वजह होती है कि अक्सर घर में लड़ाई झगड़े फसाद बरपा हो जाते हैं क्योंकि ना तो मियां बीवी एक दूसरे को खुश नहीं कर पाते। ये दिलचस्पी होती है, जब पैदा ना हो तो इंसान खुश नहीं रख सकता। तो दोस्तों, तमाम दोस्त इस नुस्खे को आप लोग बनाएँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम बहुत फ़ाका होगा, आपकी ये जो कमज़ोरी है भाग कर जाती रहेगी। तो उसकी तरफ लेकर चलता हूँ मैं, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाय नहीं करता, ताकि आप अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हकीम साहब आप बातें ज़्यादा फजूल करते हैं, नुस्खे की बात कम करते हैं। तो चलें दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते, नुस्खा ही बता देते हैं आपको जल्दी से। आपने एक पाव लेना है 250 ग्राम, जिसे हम कहते हैं एक पाव मतलब 250 ग्राम तुख्मे गूँच लेना है। तुख्मे गूँच, उसको आपने पानी लेना है या दूध किसी बर्तन में ले लेना है और तुख्मे गूँच जो हैं उनको डाल देना है। जब देखें ना आप बिल्कुल गल चुके हैं तो आप उसके ऊपर से छिलका उतार दें। छिलका उतारने का बॉयल करना है, अच्छी तरह बॉयल होंगे तो ऊपर वाला छिलका ऐसे लगेगा जैसे उतर रहा है। उस छिलके उतार लेना है, अंदर वाले जो बीज हैं आपने उसको निकाल लेना है, साए में खुश कर लेना है। जब खुश्क हो जाए बीज तो आपने उसका पाउडर बना लेना है। ऐसे कूटेंगे ना तो उसका पाउडर बनता जाएगा। अब उस पाउडर को ना आपने दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पाउडर ही इस्तेमाल करना है तो आप उस पाउडर को 5 ग्राम पाउडर लें और दूध के साथ एक दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अगर आपने पाउडर नहीं इस्तेमाल करना, आपको दिक्कत होती है खाने में, तो फिर आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एक जार ले लें, एक बर्तन इस तरह का एक बर्तन ले लें, उस बर्तन के अंदर आपने उसको डाल देना है दवाई को, उस पाउडर को, उस दवाई पाउडर को डाल देना है और उतना ही आपने शहद मिलाकर उसका मिक्स करेंगे तो उसका माजून सा बन जाएगा, माजून टाइप बन जाएगा। शहद डालेंगे ना उस पाउडर के अंदर, उस पाउडर को इसके अंदर फिर शहद डालेंगे, हिलाएंगे तो माजून बन जाएगा। तो आपने उस माजून को क्या करना है, एक चम्मच उस माजून का सुबह, एक चम्मच उस माजून का शाम को इस्तेमाल करना है। लगातार इस दवाई को इस्तेमाल करें और गंदी बादी वाई खट्टी परहेज़ और तेल की तली हुई चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। नमाज का 5 वक्त एहतमाम करना है, नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी। और आपने जो शहद इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल छोटा शहद हो, देसी शहद होना चाहिए, छोटा हो, छोटा अगर नहीं मिलता तो बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरह आप इस दवाई को बनाएं अच्छी तरह और इस्तेमाल करें, यकीन जाने बहुत फ़ायदा होगा। आपके ये जो ताने मिलते हैं वो ताने भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी अज़्दवाजी में खुशियां फिर से लौट आएंगी। आप लोग जब इस तरह की खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो हम लोगों के लिए एक बार दुआ सिर ज़रूर कर दिया करें, हम दुआओं के तलबगार हैं। बाकी रिज्क रोटी जो अल्लाह पाक ने लिखी है वो मिलनी है। बाकी किसी किस्म का मसला हो, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये नोट करके आप यहाँ से आप हमें फ़ोन करके भी मशवरा ले सकते हैं। इसी तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।